वेलकम टू स्टोरी बॉक्स। तो आगे की कहानी शुरू करते हैं। सोंगयान अपना फेस विंडो साइड करके बोलता है, कुछ नहीं, वो मैं बस क्यूरियस था थोड़ा, तो मैं इंटरनेट पर चेक करने लग गया। फिर मैंने कुछ नॉवेल्स ढूंढी और उन्हें पढ़ने लग गया। एडिक्शन सा हो गया उन्हें पढ़ते पढ़ते। यू लुओतंग बोलता है, नॉवेल्स? किस तरह की नॉवेल्स? क्या तुम मुझे दिखा सकते हो? सोंगयान, ओह, फेल्ड मैरिज, बॉस पैरमी, द वेल्दी फैमिली इज फॉरबिडन, और ये भी द कॉन्किबिन चिंचन रन विद द बॉल। इस स्टोरी में दिखाया गया है कि कुछ स्पेशल बॉटम्स होते हैं जो कि बच्चा पैदा कर सकते हैं, पर मुझे थोड़ी मुश्किल हो रही है। आखिर कोई आदमी कैसे बच्चा पैदा कर सकता है? आखिर बच्चा वो लोग पैदा कहाँ से करते होंगे? सो वियर्ड है ना, मुझसे तो सोचा ही नहीं जा रहा। यू लुओतंग बोलता है, तुम ये सब पढ़ रहे थे? सोंगयान, हाँ मैं ये सभी पढ़ रहा था। अब रिकमेंडेशन में तो यही आया तो मैंने यही पढ़ लिया, पर मैंने सीधा नहीं पढ़ा था, मैंने लड़कियों से पूछा तो उन्होंने मुझे अपनी फेवरेट लिंक शेयर करी और फिर मैंने पढ़ा। यू लुओतंग, लड़कियाँ? सोंगयान, हाँ कुछ लड़कियाँ हैं जो BL जेनरा के बारे में कुछ ज़्यादा ही जानती हैं, उन्होंने मुझे ये सब बताया, पर मेन पॉइंट ये नहीं है। मेन पॉइंट बताऊँ क्या है? लुओतोंग, तुम्हें पता है मैंने अब तक जितनी भी नॉवेल्स पढ़ी उसमें बॉटम्स को डिस्क्राइब करते हैं कि उनकी काफ़ी अमेजिंग बॉडी होती है और फेस भी काफ़ी प्रिटी होता है। ये सब पढ़ के मुझे तुम्हारी ही याद आती है। यू लुओतोंग मन में सोचता है, मुझे अब तक काफ़ी लोगों ने कहा है कि मैं सुंदर हूँ, तो मुझे इन कॉम्प्लीमेंट्स की आदत है, पर सोंगयान ने तो मुझे सीधा ही नॉवेल्स के बॉटम से कंपेयर कर दिया। मुझे नहीं पता वो मुझसे फ्लर्ट कर रहा है या फिर सच बोल रहा है। अगर शियालिन भी सोंगयान की तरह ही थोड़ा बहुत फ्रेंडली बातें करना सीख जाता तो मुझे थोड़ा अच्छा लगता। हाँ छोड़ो, अब मुझे उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। तभी सोंगयान बोलता है, लुओतोंग, क्या तुम मेरी हेल्प कर सकती हो? यू लुओतोंग, क्या? सोंगयान, वो मुझे उन लड़कियों ने इंटरनेट पर ये बताया था कि अगर तुम्हें बॉयज किस करें और तुम्हें बुरा ना लगे तो हो सकता है कि तुम गे हो, तो मैं ये बात पता करना चाहता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि मुझे लड़के पसंद हैं या नहीं और कैसा लगता है किसी लड़के को किस करना। और सोंगयान मन में सोचता है, जोशुओ ने कहा था कि मैंने शियालिन को किस कर दिया था, पर मुझे याद नहीं है कि आखिर मुझे कैसा लगा था, इसीलिए लुओतोंग से तो मैं कह सकता हूँ ना इसके बारे में, वो काफ़ी ओपन माइंडेड है। तभी यू लुओतोंग शर्माते हुए बोलता है, तुम मुझे किस करना चाहते हो? सोंगयान, ये बस एक टेस्ट है, मेरा और कोई मतलब नहीं है। यू लुओतोंग मन में सोचता है, वैसे ये तो मानना पड़ेगा कि सोंगयान की बॉडी काफ़ी अच्छी है और उसका चेहरा भी काफ़ी ब्यूटीफुल है और वो शियालिन से ज़्यादा हैंडसम है, बस एक ही किस तो करनी है, ऐसा भी नहीं है कि मैं कुछ हार रहा हूँ। और फिर वो बोलता है, वेल, अब तुमने मेरी इतनी मदद करी ही है कि मैं इतना तो तुम्हारे लिए कर ही सकता हूँ। सोंगयान, बहुत सही, चलो अभी करते हैं, वैसे भी क्लास में कोई नहीं है। यू लुओतोंग कन्फर्म करता है कि क्लास में कोई नहीं है। फिर वो सोंगयान को धक्का मारता है और डेस्क पर बिठा देता है। बैठ जाओ। सोंगयान, क्यों? यू लुओतोंग शर्माते हुए बोलता है, तुम इतने लंबे हो, मैं तुम्हें किस करते हुए थक जाऊंगा। सोंगयान, ओह ठीक है। और वो मन में सोचता है, लगता है यू लुओतोंग को काफ़ी एक्सपीरियंस है, तो जहाँ तक है वो सही ही होगा। यू लुओतोंग बोलता है, अपनी आंखें बंद करो। सोंगयान, ज़रूरी है क्या? यू लुओतोंग, तुम्हारी आंखें खुली होंगी तो मैं तुम्हें किस नहीं कर पाऊंगा। सोंगयान, अरे तुम्हारे कितने नखरे हैं। ठीक है ठीक है, और वो आंखें बंद कर देता है। दोनों किस कर लेते हैं और विंडो के बाहर से ये सारा नज़ारा जियालिन देख लेता है। जोशु उसके पास आने की कोशिश कर रहा था, तभी जियालिन जोशु को आगे जाने से रोकता है और पीछे की ओर जाने लगता है। जियालिन बोलता है, मैं कुछ भूल गया हूँ, मेरे संग चलो। वो काफ़ी शौक हो गया था, भले ही वो जानता था कि एक ना एक दिन ये सब होना ही था। जोशुओ बोलता है, क्या?
और जोशी मन में सोचता है, ऐसा क्या भूलेंगे उधर, प्लेग्राउंड में तो कुछ भी नहीं ले जाते। शियालिन उसे पकड़ता है और भागने लगता है। जोशी मन में, ऐसा क्या खो दिया है मास्टर ने कि वो इतना घबरा गए हैं। तभी यू लोतांग किस करने के बाद बोलता है, तुम्हें कैसा लगा? सोंगयान, ज्यादा कुछ नहीं, बस ऐसा लगा कि कुछ टच हुआ। और वो मन में सोचता है, पर मुझे उस तरह की फीलिंग्स तो महसूस ही नहीं हुई जैसा नॉवेल्स में लिखी होती हैं, वैसी वाली कि बिजली कड़क गई हो मेरी पूरी बॉडी में, मेरा दिल जोरों से धड़क रहा हो और मैं अपने आप को रोक ना पा रहा हूँ, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। तभी यू लोतांग सोंगयान के चेस्ट पर हाथ रख के बोलता है, तुम्हें इधर कैसा लगा? सोंगयान, इधर क्या लगेगा? यू लोतांग, क्या तुम्हारा दिल जोरों से धड़क रहा है? और वो सोंगयान की हार्ट बीट मेजर करता है। हाँ सही है, नॉर्मल स्पीड है, मुझे भी कुछ फील नहीं हुआ। सोंगयान बोलता है, क्या क्यों, इसका मतलब है कि मैं गे नहीं हूँ? यू लोतांग, अब मैं एकदम से फाइनल डिसीजन तो नहीं बता सकता, पर यह भी तो हो सकता है कि तुम्हारे मन में मेरे लिए कोई फीलिंग्स ही ना हो। और ऐसा भी कहा जा सकता है कि तुम्हारे मन में लड़कों के लिए कोई फीलिंग्स ही ना हो। अगर हम नतीजे पर आए तो कोई एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं निकलता, 50-50। सोंगयान मन में सोचता है, जब मैंने पहली बार यू लोतांग को देखा था तो उसके अपीयरेंस से मैं बहुत अमेज्ड हो गया था। मैंने बहुत इच्छा करी थी कि काश वो लड़की होता, फिर मैं उस पर ट्राई मार सकता था। लेकिन उसके बाद से मैं शियालिन के संग बहस करने लग गया और यू लोतांग के बारे में तो सोच ही नहीं पाया। असल में तो मेरा ध्यान ही नहीं गया उस पर। जब से मुझे पता चला कि लुओतोंग शियालिन को पसंद करता है, शियालिन का एटीट्यूड ही चेंज हो गया लुओतोंग के लिए। शियालिन की नज़रों में लुओतोंग चेंज हुआ तो अनएक्सपेक्टेडली धीरे धीरे मेरे मन से भी लुओतोंग के लिए वो सरप्राइजिंग अपीयरेंस वाला लुक ढलता ही चला गया। इसीलिए मुझे लुओतोंग के लिए कोई फीलिंग्स महसूस नहीं हुई। पर अगर मुझे लुओतोंग के लिए कोई फीलिंग्स महसूस नहीं हो रही तो आखिर वो कौन सा आदमी है जिसके लिए मेरे मन में फीलिंग्स हैं। और सीन चेंज होता है शाम को ग्राउंड में। शियालिन सनसेट की ओर देख रहा होता है, वो काफ़ी दुखी लग रहा था। जोशुओ बोलता है, सेकंड यंग मास्टर, क्या अब हम कैफेटेरिया जा सकते हैं? नहीं तो हमें खाना नहीं मिलेगा। शियालिन बोलता है, ये सब पहले से ही लिखा हुआ था। और हमारा चैप्टर एंड होता है। आगे जानने के लिए देखते रहिए स्टोरी बॉक्स।